महामारी के इस दौर में हर कोई मजबूर है, लेकिन अस्पतालों में बेड न मिलने के कारण लोग अब हिम्मत हार रहे हैं। ये तस्वीरें देखें, ये तस्वीरें हैं बिजनौर शहर की, जो आपको झकझोर कर रख देंगी। ई रिक्शा पर लेटी महिला का नाम रेशमा है, जो पिछले 3 दिन से बुखार व शरीर में ऑक्सीजन की कमी को झेल रही है। परिजनों ने सरकारी अस्पताल का दरवाजा खटखटाया, लेकिन अस्पताल में बेड न मिलने के कारण मजबूरन महिला 3 दिनों से ई रिक्शा में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। सांस लेने में दिक्कत हो रही है, ऑक्सीजन कितने दिन से सरकारी अस्पताल गए थे सर, वहाँ परसों शाम का टाइम है। कहाँ गई थी? सरकारी अस्पताल में। क्या कह दिया, भर्ती नहीं करा? और अस्पताल प्राइवेट भी गई थी? ऑक्सीजन में गया। अभी कहाँ से लाए आप सिलेंडर? ये सिलेंडर वहाँ से लाया था, मुजफ्फरनगढ़। स्वास्थ्य महकमा व प्रशासन भले ही लाख दावे करे कोविड संक्रमण मरीजों के भर्ती होने व ऑक्सीजन मिलने के, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही बयां कर रही है। ई रिक्शा पर लेटी बीमार महिला निजी डॉक्टर के चक्कर काटती नजर आ रही है, लेकिन कोई भी एडमिट करने को तैयार नहीं है। ऐसे में ई रिक्शा पर लेटी रेशमा इस ऑक्सीजन सिलेंडर के सहारे ही अपनी जिंदगी की जंग लड़ रही है। शहजाद नाम है। शहजाद, कहाँ भटकते फिर रहे हैं आप? हम सरकारी अस्पताल गए थे 3 दिन से, उन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी। हम परेशान हो गए, जब आए कोई हमारी सहायता नहीं करी और भर्ती भी नहीं करा, वहीं पड़े रहे इमरजेंसी में। मैं सर देख लो, कोई नहीं देख रहा। कौन है बीमार आपका? वाइफ है मेरी। अब कहाँ खड़े हैं आप? यहाँ खड़े हैं रोडवेज के धोरे डॉक्टर शहजी मारिफ के यहाँ। लेकिन ये कोई एक कहानी नहीं है, बल्कि कोरोना महामारी के इस दौर में लाख दावे करने वाली सरकार की जमीनी हकीकत की कई तस्वीरें आए दिन सामने आ रही हैं। हर दिन रेशमा की तरह ही कई मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं, लेकिन प्रशासन चुप्पी साधे है और अस्पताल बेड खाली न होने का हवाला देकर इलाज करने को राजी नहीं। ऐसे में मरीज जाए तो जाए कहाँ? ये बेबसी, ये मजबूरी एक बड़ा सवाल खड़ा करती है उन लोगों पर जो पर्याप्त बेड और ऑक्सीजन होने का दावा कर रहे हैं। संवाद 365 के लिए बिजनौर से रोहित की रिपोर्ट।